शिवपुरी की रहने वाली छात्रा त्रिशा जैन का दर्द उस समय झलक आया जब वो मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से मिलने पहुंची। त्रिशा जैन ने बताया कि वो एक लॉ स्टूडेंट है जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नागपुर से लॉ कर रही हैं। वो अभी चौथे साल में हैं। त्रिशा ने बताया कि 2017 में उन्होंने शिवपुरी की गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया था। यहाँ उन्हें 12वीं कक्षा में 95% अंक प्राप्त कर मेधावी स्कॉलरशिप की पात्रता उन्होंने हासिल की। उसके बाद पहले वर्ष में उन्हें स्कॉलरशिप मिली। पढ़ाई के साथ साथ त्रिशा फ्लैट की भी तैयारी कर रही थी जहाँ उनका सिलेक्शन हो गया और वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए नागपुर चली गई। इस दौरान स्कॉलरशिप को ट्रांसफर किए जाने के लिए एप्लीकेशन दी लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद भी स्कॉलरशिप नहीं मिली। मामले को लेकर त्रिशा ने तकनीकी शिक्षा विभाग में कई बार आवेदन दिया और राज्यपाल को भी ईमेल भेजकर शिकायत की लेकिन किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। इस संबंध में संबंधितों से पूछताछ की गई लेकिन उन्होंने भी सही तरीके से बातचीत नहीं की और कहा कि आपकी स्कॉलरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से 4 से 5 लाख रुपए का कर्ज हो गया है जिसके कारण मानसिक रूप से वो परेशान है। छात्रा ने मंत्री राज्य से गुजार लगा कर स्कॉलरशिप दिलाए जाने की बात कही। देखिए क्या कुछ कहा त्रिशा जैन ने। मेरा नाम त्रिशा जैन है, मैं खेड़ापति कॉलोनी शिवपुरी में रहती हूँ। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, फिलहाल 4th ईयर में NLU नागपुर से लॉ कर रही हूँ। मुझे मैम से बात करनी है मेरी स्कॉलरशिप के रिस्पेक्ट में। मेरी स्कॉलरशिप अटकी हुई है। मैं 2017 में गर्ल्स कॉलेज में मैंने यहाँ एडमिशन लिया था, साथ ही मैं क्लैट की मैं तैयारी कर रही थी जिससे मेरा NLU में सिलेक्शन हो जाता। मेरा NLU में सिलेक्शन हुआ और मैंने स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई किया। काफ़ी फ़ोन्स लगाए, काफ़ी ईमेल्स लगाए, किसी ने कभी रिप्लाई नहीं किया। उल्टा गंदी तरीके से बात करके हमेशा यही कहा है कि आपकी स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी और हमें कभी फ़ोन मत लगाना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनने कहा था कि हमारी पॉलिसी में कहीं ऐसा नहीं लिखा था, जबकि ऑफिशियल की यहाँ के प्रिंसिपल प्रोफेसर जैन से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हाँ ऐसी पॉलिसी है और हम ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद भी मैंने उनको ईमेल किया, उसके बाद भी मैंने उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने मना कर दिया कि आपकी स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, ये स्कॉलरशिप करीबन 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में मुझे हर साल मिलती है मेरे ट्यूशन फीस के हिसाब से। तो कब से कब तक नहीं मिली आपको? मुझे 2018 से आज इस साल तक नहीं मिली है। करीबन 4.5 या 6 लाख से। तो आपने इसके बारे